हेलो एवरीवन, रचनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी चाउमीन। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चॉप्ड अनियन से। और अनियन के साथ अब टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे बेल पेपर्स। इससे टेस्ट तो आएगा ही, साथ में हमारा चाउमीन बहुत सुंदर भी दिखेगा। इसके साथ साथ हमने थोड़े सा गार्लिक और ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है। आइए चॉपिंग के बाद अब गैस पे एक बर्तन रखेंगे और इसमें हम पानी बॉईल करेंगे। मैंने दो मैगी के हिसाब से पानी लिया है। पानी बॉईल करने के बाद मैंने इसमें मैगी ऐड किया और थोड़ा सा इसको बॉईल होने के बाद इस तरह से इसे अलग कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इसे क्रश नहीं करेंगे क्योंकि हमें नूडल्स बनाने हैं। पानी को इस तरह से स्ट्रेन कर दिया बॉईल होने के बाद। स्ट्रेन करने के बाद अब हम इस पे ऐसे ठंडा पानी डालेंगे और फिर इसको एक थाली में 2 मिनट के लिए ऐसे ठंडा होने के लिए डाल देंगे। अब हमें इसमें 1 टेबलस्पून घी को इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। अब आ गया है सॉस ऐड करने का टाइम। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। ग्रीन चिली सॉस के बाद हमने ऐड किया है चिली गार्लिक सॉस। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं टेस्ट इन्हांस करने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा मत लीजिएगा। अच्छे से अब इसे मिक्स कर लीजिए। आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है। आइए अब फिर से एक बर्तन लेंगे गैस पर और उसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद अब बारी है सारी वेजिटेबल्स की। तो हमने पहले चॉप्ड अनियंस ऐड किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अब अनियन के बाद हमने इसमें बेल पेपर्स और चिलीज ऐड किए हैं जो हमने चॉप करके रख लिया था। थोड़ा सा सॉटे करने के बाद हमने इनमें गार्लिक ऐड किया है। अच्छे से सॉटे करने के बाद अब हमने जो नूडल्स का मिक्सचर रेडी किया था उसको ऐड किया एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस इस तरह से इसको सेपरेट कर लीजिए। और अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली लगता है तो आप सॉल्ट भी ऐड कर लीजिए। एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व।